कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देश अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की खुराक तय करने में लगे हैं। कोरोना से प्रभावित कई देश आबादी के हिसाब से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन के 60 करोड़ खुराक का प्री ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा करीब 100 करोड़ खुराक और पाने की कोशिश चल रही है। एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स के एक ग्लोबल एनालिसिस यानी वैश्विक विश्लेषण में ये बात सामने आई है। भारत की गिनती वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में होती है। यहाँ की वैक्सीन निर्माता कंपनियों की उत्पादन क्षमता का भी फायदा देश को मिलेगा। ग्लोबल एनालिसिस के मुताबिक उच्च और मध्यम आय वाले कई देशों ने 8 अक्टूबर तक करीब 4 अरब खुराक की बुकिंग कर ली थी। वहीं इसके अतिरिक्त करीब 5 अरब खुराक के लिए बातचीत चल रही है। भारत के लिए बड़ी बात ये भी है कि वैक्सीन उत्पादन के मामले में देश अग्रणी है। यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी शीर्ष वैक्सीन निर्माता कंपनियों के अलावा भारत बायोटेक और जायडस कैडिला जैसी कंपनियां भी हैं जो वैक्सीन की रेस में आगे चल रही हैं। अमेरिका के ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की बुकिंग के मामले में सिर्फ अमेरिका ही भारत से आगे है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो कनाडा ने अपनी आबादी की जरूरत से 5 गुना ज्यादा खुराक की बुकिंग कर रखी है। वहीं ब्रिटेन ने आबादी से करीब 2.5 गुना ज्यादा वैक्सीन खरीदने का सौदा कर रखा है। अमेरिका ने अपनी आबादी की तुलना में 230% कवर करने के लिए वैक्सीन की खुराक बुक की है। रिसर्च सेंटर के सहायक निदेशक आंद्रिया टेलर के मुताबिक यह ध्यान रखना जरूरी है कि बुकिंग की गई वैक्सीन की खरीद असल में नियामकों के अप्रूवल मिलने पर निर्भर करेगी। अब तक बहुत सारी वैक्सीन ट्रायल में है जिन्हें नियामक से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में जो भी सौदे हो रहे हैं उनमें से कई सौदे शायद पूरे भी ना हो सके। ऐसी ही आशंकाओं के कारण ब्रिटेन ने 5 अलग अलग सौदे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए भारत कई तरह की वैक्सीन बना रहा है। ऐसे में तय है कि देश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रखी है। उनका कहना है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।